और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं लोकसभा। सदन में इस समय क्या हो रहा है सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ कुछ लोगों की बार बार, माननीय अध्यक्ष जी, एक और देश ने देखा है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो चंद्रयान मिशन की सफलता ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाला देश हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना। एक और चंद्रयान मिशन की सफलता, आदित्य L1 सोलर की सफलता, तो दूसरी ओर क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम कुतर्कों के सहारे राहुल यान को सफल करने की बात करता है। मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं कि 99 का आंकड़ा 240 से ज्यादा बड़ा होता है। अध्यक्ष जी, क्या 99 240 से ज्यादा बड़ा होता है? कांग्रेस की इस बार सीटें 99 आई है, एक और छोड़ गए, 98 रह गई। अपने आप में ये रिकॉर्ड तीसरी बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है, लेकिन इनका घमंड, अहंकार और तानाशाही सोच आज भी बरकरार है। ये मानसिकता, जब कांग्रेस का पार्टी मोड खत्म हो जाए तो इस पर आत्मनिर्भर और मंथन जरूर करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा देश के सामने रखना, एक तो चलो प्लीज बैठे अपने सीट पे। सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर 352, रूल्स टू बी ऑब्जर्व व्हाइल स्पीकिंग। अ मेंबर व्हाइल स्पीकिंग नॉट रिफर टू एनी मैटर ऑफ फैक्ट विद अ ज्यूडिशियल डिसीजन इन स्पेंडिंग। मेक प्रेफरेंस पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग। ओके सर, प्लीज एक्सपर्ज प्लीज। 352 के अनुसार बोलोगे, बोलो तय करो सदन में, सब तय कर लो। 352 के साथ बोलोगे, मैं सदन 352 के साथ चला दूंगा। नाराज नहीं हो रहा मैं नाराज नहीं होता हूँ। मेरे को माननीय सदस्य रूल बता रहे हैं, तो रूल की किताब बता रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ रूल की किताब से चलो। तो 352 के रूल के अनुसार से सदन चलेगा क्या? चलाना चाहते हो बताओ। ज्यूडिशियल ओके प्लीज ओके। अभी नीट का विषय भी अदालत में चल रहा था, फिर क्यों उठा रहे थे? नो, गलत। अच्छा माननीय सदस्य, नीट का विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, फिर क्यों उठा रहे थे आप? अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि ये प्रयास कर रहे थे कि 99 सीटें ही 240 से ज्यादा होती हैं। अभी इनका आंकड़ा, इनको मुबारक। लेकिन मैं एक बात तो देश के सामने और आपके माध्यम से सदन को जरूर बताना चाहता हूं, कांग्रेस मात्र 328 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। क्योंकि हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, जब राष्ट्रपति भाषण में आया कि स्थिर और स्पष्ट बहुमत मिला तो उन्होंने बहुत हल्ला किया। मैं पूछता हूं, जब 2004 में आपकी सरकार बनी, 2009 में आपकी सरकार बनी, क्या आपको 240 सीटें भी मिल पाई थी? अरे आप उसके आसपास भी नहीं थे, 145 सीटें आपको मिली थी। मुझे जितना मजबूर करोगे कांग्रेस की उतनी परतें खुलती जाएंगी। कांग्रेस, अब माननीय अध्यक्ष जी, ये लड़े ही मात्र 60% सीटों पर थी। ये देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल मात्र 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60% सीटों पर, 328 सीटों पर, और उनमें से भी 70% सीटों पर कांग्रेस हार गई, जनता ने इनको नकार दिया है। 328 सीटों में से 229 सीटों पर
कांग्रेस की हार हुई है, जनता ने आपको नकार दिया है। एक तो लड़ाई 60% सीटों पर, उसके बाद 70% सीटों पर हार गए। और यही नहीं सर, जब कोई पार्टी अपना स्टैंडर्ड इतना लो सेट कर लेती है और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आती है तो उसको वो भी ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो। अगर आपको ये चार्ट देखना है तो इस चार्ट में अध्यक्ष जी मैं सभा पटल पर रख सकता हूं कांग्रेस की कितनी सीटें कब कब आई। ये चार्ट बहुत कुछ दिखाता है माननीय अध्यक्ष जी। ये चार्ट में ये दिखता है कि यूपीए की जब आपकी पहली सरकार थी तो कांग्रेस की मात्र 145 सीटें आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 138 सीटें थी। 7 सीटों का फर्क था और आप में और हमारे में सिर्फ 7 सीट का अंतर था भाजपा कांग्रेस में। सरकार आपने बनाई, हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने 5 साल सरकार चलाई। फिर 2000 आपका उस समय वोट शेयर था मात्र 26.53%। 2009 में यूपीए की सरकार फिर आई, आपकी 206 सीटें आई, लेकिन आपके लिए वो स्थिर सरकार थी, आपके लिए वो कांग्रेस। खड़गे जी, मेरा एक सेकेंड प्लीज, यू आर चीफ विप। नीरज शेखर, इट इज नॉट अ वाइज स्टेप टू फॉलो शक्ति सिंह। शक्ति सिंह इज ऑन अ रॉन्ग पाथ। नो वन कैन अप्रूव व्हाट ही इज डूइंग। इफ यू लुक एट द वीडियो दैट विल शो हिम एज इफ व्हाट अ शेमफुल सीनरी। सर, आई अर्ज यू, खड़गे जी, आई अर्ज यू, योर एड्रेस, वन सेकेंड सर, नहीं सर, यू आर एड्रेसिंग मी, दैट्स गुड, बिकॉज दैट इज द ओनली वे। पर मेरा अनुरोध है आपसे, नहीं कृपा करके आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट बाई प्रमोद तिवारी। वॉट डज यू मीन बाई माइक बंद कर दिया? नहीं मैम, ये बंद करना है क्या? यदि यही ऑप्टिक्स करनी है तो करते रहिए, बंद कहां करना है? ये ऑटोमेटिक है। वॉट इज दिस? वी कांट अंडरस्टैंड सिंपल टेक्नोलॉजी। खड़गे जी, सुनिए मेरी बात है। खड़गे जी, इस माइक को बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है। एक बार मेरी बात आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर बाकी क्या सुनेंगे? मेरा ये कहना है, इस प्रकार की भ्रांति जो फैलाते हैं ना और पार्लियामेंट को कलंकित करते हैं, टेंटिंग, टार्निशिंग, डिमिनिशिंग आवर इंस्टीट्यूशंस। यहां माइक बंद होता है क्या? कितना बोलने दे जा रहा है? डू वी सेंड अ सिग्नल हियर कि माइक बंद हो रहा है? मैम, मिस्टर खड़गे, यू नो इट, इट इज मैकेनिकली कंट्रोल्ड। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहां प्रथम पंक्ति में बदलाव के बाद कुछ सदस्यों का आचरण अति उत्साही हो रहा है, और इतना उत्साही हो रहा है ये कोई तरीका नहीं है। बदलाव मैं देख रहा हूं। खड़गे जी, क्या आप मानते हैं कि माइक बंद होता है यहाँ? चलिए, प्लीज खड़गे जी, अनुरोध है,
आप शालीनता धन्यवाद। जब मैं बोलता हूं ना तो माइक किसी का चालू नहीं रहता, ये क्लियर है, ये कंसेप्ट है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आपका 54 साल का अनुभव है, आप प्रतिपक्ष के नेता प्रांत में रहे हैं, लोकसभा में रहे, यहाँ रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को। आपसे औरों को सीखने की आवश्यकता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है, शक्ति सिंह व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ शक्ति सिंह, कैन समवन फाइंड आउट, और डू वी नीड मेडिकल एडवाइस फॉर हिम? ही हैज नो रेस्पेक्ट फॉर एनीवन। यू आर इंसल्टिंग योर एलओपी सो सीरियसली, यू आर टेकिंग एलओपी टू बी नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक केयर ऑफ हिज पोजिशन, बाय इंसल्ट एलओपी। एक मिनट, ही कैन डू इट ऑन हिज ओन सर, थ्री ऑफ यू राइट टू सेव हिम, अगर ही हैज टू सेव ऑल ऑफ यू, ये जो प्लीज कीप दैट। अच्छा सर, एक अनुरोध, सुनना, मेरे को उठ बैठक बना रहे हैं। आप ऐसा कीजिए खड़गे जी, शालीनता की सीमा रखिए, आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं, शालीनता रखिए। कम ऑन मिस्टर खड़गे विल टेक द फ्लोर नाउ, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज एड्रेस द हाउस। बैठिए सर, किया ये सब लोग सुने हैं, सभी ने, सबको मालूम है। तो हम देखिए, मैं कोई असत्य बात यहाँ नहीं रख रहा, जो प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं और उन्होंने जो अपने मुंह से क्या बोलते हैं, मोती वो जो आए, वो मैंने, मैं यहाँ पर उनकी अमृतवाणी यहाँ पर मैंने रखी। अगर आपको ये सच नहीं लगता तो थोड़ा मैं भेज दूंगा, फिर समाधान से आप पढ़िए, मेरे को भी फिर उसके बाद कहिए। पूरा पढ़ूंगा सर। अक्सर सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले। फिर आप देखो साहब, मेरा क्या है, रोक रहे हैं, मेरा फ्लो टूट रहा है, वो लोग होना होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी मेरे को साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं सर? सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती, एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। तो ये मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी वाणी है, उस वाणी को मैंने यहां दोहराया। अगर आपको दुख हुआ या उनको दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो ये ऐसे मैंने सच बात रखी, इसीलिए सच को डिफेंड करने के लिए और कुछ नहीं होता, सच है। और झूठ को आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे दुख होगा? बोलना पड़ेगा सभापति जी, बहुत से ऐसे बयान चुनाव में आए, राष्ट्रपति जी ने ऐसी बातों पर चिंता प्रकट नहीं की। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट आवर कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। ये सब मैं पढ़ा, कैसा है वो, क्या सेक्युलर वर्ड्स है, क्या है, क्या कास्ट बेसिस, रिलीजियस बेसिस और भाषा बेस कैसे पे है, आप देख लीजिए। मैं आपके सामने ये रखा हूं और देश की जनता भी ये बात सुन रही होगी। सर, पीएम ने 421 बार मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, बाकी धर्मों की बात की, समाज बांटने की 224 बार मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी जैसी बातें की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़ दिया, हमारा मैनिफेस्टो धर्म विशेष से जोड़ दिया,
75 सालों में विभिन्न दलों से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, पर ऐसा कभी देखा नहीं 77 दिनों के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें दी, जिसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थी। कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई और ये मैंने गिनकर बोल रहा हूं और ये सत्य है, आपको मालूम। और चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता से जनता का भरोसा कायम रहेगा, लेकिन ये चीजें जो हुई है, जो कहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमने उसके लिए जो अपना कंप्लेंट किया, कोई उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं। सर, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए। ठीक चुनाव के पहले हमें करोड़ों के इनकम टैक्स के नोटिस हमारे पास आए। आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड चुनाव बोलते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स बंद कर देते हैं। ये चुनाव है, ये डेमोक्रेसी है, ये सत्य है। आपने हर तरीके से लोगों को तंग करने की, हराश करने की कोशिश की, लेकिन लोग डरे नहीं। तुमको करारा जवाब देकर आज शर्मिंदा किया है। लेकिन और एक बात मैं बोलता हूं सर, जहां हमारे खाते फ्रीज हुए तो वही सत्ताधारी दल के चंदा दो बॉन्ड्स, इलेक्ट्रिक बॉन्ड दो लो, और कॉन्ट्रैक्ट बिल सभी, वो क्या है बोलते, उस वक्त वो गिन गिन के, बुला बुला के, डरा डरा के उनको अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड भर्ती कर ली। ये योजना है, इलीगल है, इलीगल तरीके से हजारों करोड़ रुपए कमाए अपने पार्टी के लिए, और ये सब कुछ उन्होंने किया। और दूसरे तरफ डेमोक्रेसी की बात करते, संविधान की बात करते, लोगों के हित की बात करते, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है, आप निर्णय ले सकते हैं। अब तो कम से कम सर, आप ये इलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा बदलाव मैं आपसे चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं आपने देखी 3 साल साढ़े 3 साल तक, इसके बाद तो कम से कम सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, ऐसा मैं कहता हूँ सर। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। और आइए एक बार फिर से आपको सीधे राज्यसभा लेकर चलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन जारी। लीडर ऑफ द हाउस जाने दीजिए। ये क्या है सर, हम जब इंटरफियर करते हैं आई विश तो करने नहीं देते। सर आई विश आई कुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, बट अबाउट माई इयर्स हर्ड वॉज दैट अगले 3.5 साल, इट वॉज एन एक्सपर्शन ऑन द चेयर, दैट अगले 3 साल आप सच्चाई का साथ देंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन, दिस कैनॉट बी टेकन लाइटली। इफ द वर्ड, इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द LOP इज दिस, दैट अगले 3.5 साल आप सच्चाई का साथ देंगे, दिस ऑटोमेटिकली मीन्स दैट देर इज एन एक्सपर्शन that for the last 1.5 years you have been not giving due to the righteousness. Number two, इसलिए चेयरमैन साहब, I respect the LOP, I respect the opposition, I respect the LOP, I respect the opposition, but at the same time please keep quiet, I've been given the time by the chairman. I think you are a new member. विकास भट्टाचार्य जी, आई हैव गिवन हिम द फ्लोर। सिट डाउन, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज कंटिन्यू। सर
I respect the leader of opposition. I respect the opposition. But I would like to put on record that proving your point should not go beyond the norms of the House, and raising aspersion on the chairman cannot be agreed upon. ठीक है सर, मैं सर किसी का अपमान करने के लिए इस सदन में नहीं आया। अगर ये उचकाने की बात करते हैं खड़गे जी, तो इस समय पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार आर पार छिड़ा हुआ है सदन में। ये राष्ट्रपति अभिभाषण ऐतिहासिक है, इसमें ये अभिभाषण ऐतिहासिक है, और ये ऐतिहासिक इसलिए है अध्यक्ष जी, क्योंकि इसमें एक दशक के मोदी सरकार की अद्वितीय कार्यों का चित्रण ही नहीं, बल्कि आने वाले स्वर्णिम काल यानी विकसित भारत के संकल्प का उद्घोष भी है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर और उनके विकसित भारत के विजन के जो जनता का अगाध विश्वास था, उसी के कारण से अध्यक्ष जी एनडीए को तीसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 3 में जो कहा है, आपके माध्यम से समक्ष के पूरे सदन के समक्ष पुनः दोहराना चाहूंगी। 2024 का चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास, मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मोहर है। अध्यक्ष जी, एक दशक में ये पहली बार ऐसी सरकार भारत में आई है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो कहा वो किया। धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो कहा वो किया। CAA लेकर आए, जो कहा वो किया। वन रैंक वन पेंशन लाए, जो कहा वो किया। मेक इन इंडिया की नींव रखी, जो कहा वो किया। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त करा है कि अध्यक्ष जी, हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह मात्र एक दशक में विश्व की वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और अध्यक्ष जी, ये असाधारण परिस्थितियों में हुआ है। पूरा का पूरा विश्व COVID-19 की महामारी से जूझ कर निकला है। अभी भी विश्व के कई देश हैं जो युद्ध की अग्नि में झुलस रहे हैं, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया है। इस संकल्प के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ युवा शक्ति, दूसरा नारी शक्ति, तीसरा किसान कल्याण और चौथा गरीब कल्याण। अध्यक्ष जी, यदि आप युवा शक्ति की बात करते हैं, तो किसी भी प्रकार का अवसर यदि आप भारत की युवा शक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो उस अवसर का लाभ लेने के लिए युवा शक्ति चूकती नहीं है। शिक्षा के पर्याप्त अवसर हुए, इसके लिए मोदी सरकार ने एक दशक में 7 नए IITs, 16 नए IIITs,
7 नए IIMs, 15 IIMs हॉस्पिटल्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस और 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित करे हैं। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो इन दो योजनाओं के कारण अध्यक्ष जी देश का युवा जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बना है। इस जॉब क्रिएशन से वेल्थ क्रिएशन की तरफ वो अग्रसर है और आप जैसे माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी सदन के समक्ष रखा, आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। अध्यक्ष जी, मुद्रा योजना में स्वरोजगार के लिए आप ये देखिए 46 करोड़ युवाओं ने 26 लाख करोड़ रुपए का ऋण आसानी से लिया है। आज देश में 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण आसानी से लिया है। आज देश में 1,81,000 स्टार्टअप कंपनियां हैं जिसमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स पे 142nd पोजीशन से 63rd पोजीशन पे पहुंचा है और पिछले 24 वर्षों में यानी 2000 से 2024 में ही भारत में कुल 990.97 बिलियन डॉलर्स का FDI आया है जिसमें से अध्यक्ष जी 67% यानी 667.4110 बिलियन डॉलर्स मात्र पिछले एक दशक में NDA की सरकार में आया है। टुडे भारत हैज बिकम अ लीडर इन द वर्ल्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे रक्षा उपकरण हो, भारत एक अग्रणी निर्माता के रूप में वैश्विक पटल पर उभर रहा है। और इस नई दुनिया में माइक्रोचिप्स आर द न्यू ऑयल, सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत कहीं पीछे ना छूट जाए इसके लिए मोदी सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही उद्घाटित कर चुकी है। असम में 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट भी बन रहा है। वो दिन दूर नहीं अध्यक्ष जी जब चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में भारत विल बी अ ग्लोबल लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया, जैसे स्टार्टअप इंडिया। इनके कारण भारत के युवाओं की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। अब हम आते हैं विकसित भारत के दूसरे स्तंभ पर यानी नारी शक्ति। अध्यक्ष जी, हम सब ने सुना है कि चूल्हे की रोटी का स्वाद बड़ा गजब है, लेकिन उस चूल्हे की रोटी के स्वाद के चक्कर में मेरे देश की मातृशक्ति के फेफड़े झुलस जाते हैं। पहले जाती है लकड़ी काटती है या लकड़ी बींधती है, गठरी सर पर लेकर आती है, 20 से 25 मिनट लगते हैं चूल्हा सुलगाने में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देके मातृशक्ति को धुएं की जिंदगी से निजात दी। हमारे देश में बचत की आदत हमारे देश में एक एक को मातृशक्ति ने सिखाई। आप सबको याद होगा वो नानी जो रामायण के पन्नों में पैसे छुपाती, वो दादी जो चीनी के जार में पैसे छुपाती है, अरे उन चोरी के पैसों से कुल्फी फलूदा खाने की मिठास ही अलग है। लेकिन कितनी अचंभे की बात है अध्यक्ष जी, जिस मातृशक्ति ने देश को बचत सिखाई उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश की मातृशक्ति को फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का उन्होंने उसे हिस्सा बनाया। अध्यक्ष जी, 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुले प्रधानमंत्री जनधन योजना में, जिसमें से 56% महिलाओं के खाते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी सुनिश्चित करा कि महिलाओं के स्वरोजगार के लिए उनके पास आर्थिक सपोर्ट यानी फाइनेंशियल सपोर्ट की उपलब्धता हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल ऋण जो सैंक्शन हुए हैं उसमें से 69% महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए हैं।
इसी तरह स्टैंड अप इंडिया के तहत अध्यक्ष जी 84% ऋण महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए। एनडीए सरकार ने 1 करोड़ लखपति दीदी का जो टारगेट रखा था सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट के माध्यम से, वो तो पहले ही लक्ष्य प्राप्ति हो गई है। इसलिए मोदी सरकार ने अब ये लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का रखा। अध्यक्ष जी, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी लाए हैं नमो ड्रोन दीदी। मेरे देश की बहन बेटियां अब ड्रोन पायलट बनेंगी। न केवल इससे कृषि कार्य में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, लेकिन आप ये देखिए समाज की सोच में भी अंतर पड़ेगा। इट इज गोइंग टू नॉट ओनली लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ अग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो विल इंश्योर ए टेक्टोनिक शिफ्ट इन द साइकोलॉजी ऑफ द सोसाइटी। नमो ड्रोन दीदी विकसित भारत के 2 पहलुओं को छूती है, कृषि कल्याण और महिला शक्ति। महिलाओं का लेकिन वास्तविक और असली सशक्तिकरण तब होता है जब वो नीति निर्माण में हिस्सा बनती है। अध्यक्ष जी, यहाँ पे कई सदस्य हैं, यहाँ पे आदरणीय हरसिमरत कौर जी भी बैठी हैं, वो तो स्वयं इस बात की साक्षी हैं कि 16वीं लोकसभा में तब की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन के वक्त एक इच्छा प्रकट करी थी 33% महिला आरक्षण के लिए, ताकि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके। अध्यक्ष जी, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 17वीं लोकसभा में ही ये स्वप्न हकीकत में तब्दील कर दिया। अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज की दी हुई ये आंखें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू होते इस सदन में देखेंगी और इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी। विकसित भारत का अगला स्तंभ है किसान कल्याण। अध्यक्ष जी, एनडीए सरकार के लिए अन्नदाता देवतुल्य है और इसीलिए एनडीए सरकार ने इन देवतुल्य किसानों के लिए 3,20,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहले ही वितरित कर दी है। नई सरकार जैसे ही आई, पहला सबसे बड़ा निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, 9.26 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का। एनडीए सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करी है। और तो बासुरी स्वराज लोकसभा में बोल रही हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो अनुराग ठाकुर ने रखा है उसके समर्थन में बोल रही हैं।